द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। यूपी में जहां सरकार अपराधों के ग्राफ को घटाने में अथक प्रयास कर रही है, वहीं कुछ लोग गुंडई के बल पर गरीब मासूमों को प्रताड़ित करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर पड़रहवा के तेलिया टोला के एक गरीब के सरेआम दिन दहाड़े मनबड़ों ने रिहायशी झोपड़ी उजाड़ डाले। स्थानीय संवाददाता के अनुसार खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर पड़रहवा तेलिया टोला निवासी अर्जुन गुप्ता पुत्र सूर्यवली का झोपड़ी का घर मनबड़ों ने गुंडई के बल पर दिन दहाड़े उजाड़ कर घर में रखे सामानों को तहस नहस कर परिजनों को मार पीट कर घायल कर दिया। तो वहीं खड्डा पुलिस मात्र NCR दर्ज कर घटना को मैनेज कराने में जुटी है, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलना संभव नहीं लग रहा है और अब तक पुलिस के द्वारा दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। हमारा नाम अर्जुन गुप्ता है, हम ग्राम लक्ष्मीपुर पड़रहवा तेलिया टोला के अस्थायी निवासी हूँ। हमारा थाना खड्डा पड़ता है, जिला कुशीनगर। हमारा झोपड़ी का घर था, जिसमें गुंडई और दबंगई के बल पर हमारा घर, हमको पहले मारपीट किया गया। मारपीट करके उसके बाद हमारे साथ झोपड़ी उजाड़ने लगे और उजाड़ करके पूरा तहस नहस कर दिए। हम लोग खड्डा स्वास्थ्य केंद्र पर दवा इलाज के लिए कराया गया और पूर्व में हमने खड्डा थाना पे एप्लीकेशन दिया और उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसकी कार्रवाई हुई होती तो हमारी ये घटना आज नहीं घटती। अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। उन दबंगों और गुंडों पे और दबदबा बना रहे हैं कि अभी हम इनको मारपीट करेंगे और उसके बाद तब कुछ करेंगे। तो झोपड़ी उजाड़ करके मारपीट जब हो गई तो घटना पर पुलिस नहीं पहुंची है? पुलिस पहुंची है मगर कोई नहीं, पुलिस पहुंची मगर कोई कार्रवाई नहीं की उसमें। अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो फिर दबदबा बना रहे हैं कि हम इनको मारपीट करने के लिए। तो खड्डा थाने पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप कहाँ गए थे? हम SP के यहाँ गए थे, तो वहाँ उनके SP को एप्लीकेशन दे करके और आए हैं, वहाँ से भी अभी कोई सूचना नहीं मिली। यानी पूरे घटना को अपने कप्तान को बताया है? जी। तो अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उन गुंडों और दबंगों को पकड़ा जाए और बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे ही करेंगे तो हमारे साथ हम कैसे जिएंगे। हम डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।